ए भाई ये किचन देखो यार, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे पोकेमोन लेके आया हूँ। मैंने मेरी पूरी जी जान लगा दी इन लेजेंडरीज को कैच करने में। पोकेमोन जैसे कि म्यूटू, लूगिया, हो म्यू पोकेमोन सिर्फ वो सिर्फ तुम्हारे लिए कैच करके लाया हूँ। इन पोकेमोन को ले लो, ट्रेन करो और बन जाओ वर्ल्ड चैंपियन यार, मजा आ जाएगा। हम फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे। ओ भाई गो, देखो देखो मेरे पास कितने सारे लेजेंडरी पोकेमोन से, कितने अच्छे हैं ना। एस भाई यार मुझे भी थोड़े लेजेंडरी पोकेमोन दे दो यार, मुझे अच्छा लगेगा। अरे एक क्या यार, सारे के सारे ले लो यार, तुम मेरे भाई हो। एस यहाँ पे आओ, यहाँ पे। अरे एस यहाँ पे आओ, लेजेंडरी पोकेमोन कैसे, ध्यान तो रख रहे हो ना उनका, अच्छे से ट्रेन करना उनको, वर्ल्ड चैंपियन बन जाओगे तुम, मैं कह रहा हूँ। अरे पर मैंने उन पोकेमोन को तो गो को दे दिया। और कैसे, क्यों, कब, कैसे, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें अक्कल वक्कल है या फिर नहीं, कुछ भी करोगे। हे पोकेमोन फैंस वेलकम बैक। एंड दोस्तों कल मैं ऐसे ही बैठे बैठे पोकेमोन देख रहा था, पोकेमोन की डिजाइन देख रहा था और मुझे कुछ ऐसे ऐसे पोकेमोन मिले ना जिनकी डिजाइन देखकर मजे ही आ जाता है। पोकेमोन जैसे कि गार्चोंप हो गया, चाइजर हो गया, ग्रीनजा हो गया, इनकी डिजाइन काफ़ी ओसम है। बट कुछ ऐसे पोकेमोन भी थे जिनकी डिजाइन देखकर मुझे लगा अरे ये है क्या, ये पोकेमोन है या फिर कुछ और, जैसे कि आइसक्रीम पोकेमोन, ये गार्बेज पोकेमोन और ये की पोकेमोन, अरे ये है क्या। यानी कि दोस्तों पोकेमोन की डिजाइन काफ़ी अलग अलग प्रकार की होती है। बट दोस्तों मुझे कुछ ऐसे पोकेमोन भी मिले जिनके हेड पर सेम डायमंड था। यानी कि यार ये दोनों पोकेमोन जो है, ये सारे जो पोकेमोन है दसों के दसों, यार ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सेम टू सेम है। बट यार ना ही ये एक दूसरे के इवोल्यूशन है, ना ही इनमें कोई कनेक्शन है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है कि सब पोकेमोन सेम टू सेम है, इनके हेड पर सेम डायमंड है, बिल्कुल इन्फिनिटी स्टोन की तरह, ये हो गया रहा है, कैसे हो रहा है। सो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, आखिरकार कौन कौन से पोकेमोन है जिनके हेड पर सेम डायमंड और इसके पीछे ये मिस्ट्री क्या है, हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो भाई साहब आज की वीडियो होने वाली है बिल्कुल हटके, बिल्कुल यूनिक, ऐसी वीडियो आपने हमारे चैनल पर इससे पहले कभी देखी ही नहीं होगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा जोर से देखना है। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो यार कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं लाने का ट्राई करूंगा। और दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, और उससे पहले आपको पता है ना क्या करना है? यस यार आपको पता है, तो कर दो वीडियो को लाइक यार, कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी प्रकार उनको कैच किए। सो दोस्तों यार नंबर 10 पर जो पोकेमोन आता है ना, वो है बोलने वाले पोकेमोन म्याउथ का एवोल्यूशन। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पर्शियन के बारे में। पर्शियन जो पोकेमोन है सच में काफ़ी लाजवाब पोकेमोन है। जब यह म्याउथ होता है तो इसके हेड पर या गोल्ड कॉइन होता है, बट जब ये बोल होता है इसके हेड पर या गोल्ड कॉइन गायब हो जाता है और एक रेड कलर का डायमंड आ जाता है। आखिरकार ये है क्या, क्या इसी से यार पर्शियन को पावर मिलती है, क्या ये मेगा स्टोन है या फिर इन्फिनिटी स्टोन है या फिर यार पर्शियन एवेंजर है, मुझे नहीं पता, मैं मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। पर जैसी भी बात है यार, पर्शियन जो पोकेमोन है सच में काफ़ी लाजवाब पोकेमोन है और इसके हेड पर भी यार एक रेड कलर का डायमंड है, और वैसे का वैसा डायमंड बहुत सारे पोकेमोन के पास है, जो कि हमको दिखाता है कि भाई साहब यार पर्शियन कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज पोकेमोन है, मिस्ट्रियस पोकेमोन है जिसके बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है। और दोस्तों इन सब स्ट्रेंज कांडों की वजह से, यानी कि ये द मिस्ट्रियस जो पोकेमोन है अपन सबका प्यारा पर्शियन पोकेमोन नंबर 10 पर आता है। और दोस्तों नंबर 9 पे जो पोकेमोन आता है ना, भाई साहब यार आप लोग बोलोगे व्हाट इज दिस यार, ये क्या है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ईवी के इवोल्यूशन के बारे में। यस यार ये जो ईवी का जो इवोल्यूशन पोकेमोन है ना भाई साहब, इसके हेड पर भी यार बिल्कुल सेम टू सेम पर्शियन की तरह रेड डायमंड है, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, कलर भी सेम है और डायमंड भी सेम है। भाई साहब इन दोनों पोकेमोन के पास आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों पोकेमोन का आपस में क्या कनेक्शन है, मुझे नहीं पता। और दोनों पोकेमोन लगते भी बिल्कुल सेम है, और भाई साहब यार इसके पास भी सेम टू सेम डायमंड है। सो इसी वजह से दोस्तों ये जो मिस्ट्रियस पोकेमोन बन जाता है अपना ईवी का इवोल्यूशन पोकेमोन, और ये भी हमारी वीडियो में जरूर से आएगा नंबर 9 पर। आपको इसके बारे में क्या बोलना है कमेंट बॉक्स में मुझे अभी के अभी बता दो। और दोस्तों नंबर 8 पर जो पोकेमोन आता है ना, वो है लेक गार्डियंस पोकेमोन। आप लोग बोलोगे ओ भाई लेजेंडरीज भी आ गए, यस यार लेजेंडरी भी आने वाले हैं। अब यार लेक गार्डियंस को देखो, तीनों पोकेमोन उक्सी, मेलस्पिट और अजेल के पास भी यार ऐसा का ऐसा सेम टू सेम डायमंड है, ये हो क्या रहा है भाई साहब। यार इन पोकेमोन में कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन है, या फिर यार ये पोकेमोन बिल्कुल अलग ही प्रजाति के है, या फिर ये पोकेमोन अलग ही प्लेनेट से आए हैं, हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। ये पोकेमोन सच में काफ़ी मिस्टीरियस है, और इन सब पोकेमोन के पास है सेम टू सेम डायमंड, कैसे हो सकता है हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। बट जैसे भी
बात है दोस्तों, ये जो पोकेमोन है हमारी वीडियो में नंबर 8 पर आता है। और दोस्तों नंबर 7 पर जो पोकेमोन आता है ना, उसने तो हद ही कर दी। उसके बाद यार इससे भी बड़ा डायमंड है। यस यार, मैं बात कर रहा हूँ सैबले के बारे में। सैबले जो पोकेमोन है उसके पास भी यार ऐसा रेड कलर का डायमंड हेक्सागन शेप में। बट दोस्तों जब भी मेगा एवोल्व होता है ना, ये अपने डायमंड को और भी ज्यादा बड़ा कर देता है। यानी कि दोस्तों अभी तक जितने भी पोकेमोन आए हैं ना, उसमें से यार सैबले ऐसा पोकेमोन है जो कि अपने डायमंड का सही से यूज करता है। सो हम कह सकते हैं सैबले भी एक ग्रेटेस्ट पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम है, जो कि यार तहलका मचा सकता है अपने डायमंड के साथ। और बाय साहब यार इसको अपने डिफेंस की तरह यूज करता है, और इसी काम की वजह से सैबले जो पोकेमोन है नंबर 7 पर आता है। और दोस्तों नंबर 6 पर जो पोकेमोन आता है ना, वो है गोल्डक पोकेमोन। गोल्डक के हेड पे भी ऐसा सेम टू सेम रेड कलर का डायमंड है, बिल्कुल पर्शियन और ईवी के एवोल्यूशन की तरह। आखिरकार यार इस पोकेमोन के पास भी ऐसा क्या है, इसके पास रेड डायमंड आ गया है। मेरी थ्योरी ये बोलती है कि लगभग जितने भी साइकिक टाइप पोकेमोन होते हैं, या फिर कोई नॉर्मल टाइप के पोकेमोन होते हैं, या फिर कुछ अलग टाइप के पोकेमोन होते हैं, उनका जो पावर सोर्स होता है ना, साइकिक जो पावर होती है ना, उनके रेड डायमंड में होती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि यार अपना जो पोकेमोन है गोल्ड, उसके पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर है, या फिर उनके पावर को कंट्रोल करने के लिए ये रेड डायमंड होता है। हम कुछ भी कह सकते हैं, और यार थ्योरीज काफ़ी लाजवाब है। और इन सब कारणों की वजह से अपना जो पोकेमोन है गोल्ड नंबर 6 पर आता है। एंड दोस्तों नंबर 5 पे जो पोकेमोन आता है ना, वो भी एक काफ़ी मिस्टीरियस पोकेमोन है, भले ही इतना पावरफुल ना हो, बट भाई साहब वो फैन फॉलोइंग के मामले में सबसे आगे है। यस यार मैं बात कर रहा हूँ स्लोकिंग के बारे में। यस यार स्लोकिंग के पास भी है बिल्कुल पर्सन की तरह, ईवी एवोल्यूशन की तरह, सैबले की तरह, और या गोल्ड की तरह एक रेड डायमंड है, जो कि क्या दर्शाना चाहता है मुझे नहीं पता। बट जैसा कि मैंने गोल्ड के बारे में बोला था, उसका पावर सोर्स जो है उसका रेड डायमंड है, उसी तरीके से स्लोकिंग जो पोकेमोन है उसका पावर सोर्स भी रेड डायमंड है। बिकॉज जैसा कि को पता है इनके फर्स्ट जो इवोल्यूशन है वो यार उनकी पावर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, यानी कि स्लोबरो जो पोकेमोन है इतना स्मार्ट नहीं है, तो उसको स्मार्टनेस बढ़ाने के लिए शायद तक इसका रेड डायमंड आ गया होगा स्लोकिंग के पास। और अपना गोल्डक जो पोकेमोन है, शायद पोकेमोन के सिर में हेडेक होता रहता है, और उस हेडेक को कंट्रोल करने के लिए शायद गोल्डक के पास रेड डायमंड आ गया होगा, ऐसी मेरी थ्योरी बोलती है। बट जैसी भी बात है दोस्तों, इनके पास भी सेम टू सेम रेड डायमंड है, तो ये हमारी वीडियो में जरूर से आएंगे ना दोस्तों। दैट्स व्हाई दोस्तों ये जो पोकेमोन है हमारी वीडियो में नंबर 5 पर आते हैं। और दोस्तों नंबर 4 पर जो पोकेमोन आते हैं ना, वो एक नहीं दो है। यस यार मैं बात कर रहा हूँ मिस्टी के फेवरेट पोकेमोन्स के बारे में, स्टार्मी एंड स्टारड्यू के बारे में। ये दोनों जो पोकेमोन है इनके पास भी यार रेड डायमंड है, वो भी काफी बड़े बड़े। यानी आप लोग देखो यार, इनका डायमंड ही इनकी पहचान है, जो कि यार इनके पावर लेवल को बताता है। एक एपिसोड हमने देखा था जब मिस्टी का स्टारड्यू जो है वीक हो जाता है, तो उसका रेड डायमंड जो होता है ग्लो करने लग जाता है। सो हम कह सकते हैं कि जितने भी पोकेमोन के पास रेड रेड डायमंड है ना, उनका रेड डायमंड अलग अलग पावर लेवल को शो करता है। किसी का पावर को ये कंट्रोल करता है, किसी के पावर लेवल को ये दर्शाता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना पावरफुल है। उसी तरीके से स्टार्मी के पास भी रेड डायमंड है, उसका कलर थोड़ा सा अलग हो चुका है। पर जैसी ही बात है दोस्तों, ये जो पोकेमोन है इसके पास भी एक डायमंड है, जो कि हम कह सकते हैं इसका पावर सोर्स है। बिकॉज इसको देखने से मुझे लगता है कि इसकी पूरी जो पावर है ना, इसकी रेड डायमंड से आती है। दैट्स व्हाई दोस्तों ये दोनों जो पोकेमोन है, स्टारड्यू एंड स्टार्मी, मिस्टी के फेवरेट पोकेमोन नंबर 4 पर आते हैं। और दोस्तों नंबर 3 पर जो पोकेमोन आते हैं ना भाई साहब, वो है टेंटाकूल पोकेमोन। टेंटाकूल पोकेमोन काफ़ी डेंजरस दिखाए गए हैं पोकेमोन एनिमे सीरीज में। एक बार तो टेंटाकूल है पूरी दुनिया को तबाह करने वाला था। बट दोस्तों जैसी भी बात है, टेंटाकूल के पास भी यार अपना एक रेड डायमंड है, जो कि दिखाता है कि भाई साहब यार पोकेमोन कमाल का है। दोस्तों इसके पास एक रेड डायमंड नहीं बल्कि 3 रेड डायमंड है, जो कि दिखाता है भाई साहब यार पोकेमोन के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है। मैंने काफ़ी ढूंढने का ट्राई किया कि इसका रेड डायमंड जो है क्या दर्शाता है, और मुझे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला। सो दैट्स व्हाई दोस्तों ये पोकेमोन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है, और हमारी वीडियो में नंबर 3 पर आता है। और दोस्तों नंबर 2 और नंबर 1 पे काफ़ी मिस्टीरियस पोकेमोन है। और यार नंबर 2 पर जो पोकेमोन है वो है डीएनसी पोकेमोन। डीएनसी के पास भी अपना एक डायमंड है, वो बिल्कुल अलग ही कलर का है, वह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डायमंड है, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। और भाई साहब इसका डायमंड भी इसकी पहचान है, जब भी मेगा एवोल्व होती है ना, इसका डायमंड जो होता है वो भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मेरे हिसाब से इसका जो डायमंड है ना, इसकी पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। बिकॉज मेगा डीएनसी जब मेगा एवोल्व होती है ना भाई साहब, यार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बन जाती है पूरी पोकेमोन की दुनिया की। सो कहीं ना कहीं दोस्तों मेगा डीएनसी जो पोकेमोन है, वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन मानी जाएगी पूरी पोकेमोन की दुनिया की। और दोस्तों यार नंबर 1 पे जो पोकेमोन आता है ना, वो है द मिस्टीरियस आउटर स्पेस पोकेमोन। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डीओक्सी। डीओक्सी जो पोकेमोन है उसके पास अपना एक डायमंड है, यानी कि इसको देखकर मुझे आयरन मैन की याद आ जाती है। क्या पोकेमोन है, बिल्कुल आयरन मैन जैसा पोकेमोन है। और भाई साहब इसके पास जो डायमंड है ना,
काफी ज्यादा पावरफुल है, ये जो भी अटैक करता है अपने डायमंड की मदद से करता है। और ये पोकेमोन आउटर स्पेस से आया है, सो हम कह सकते हैं कि भाई साहब इसका डायमंड का जो वर्क है ना बिल्कुल अलग हुआ बाकी पोकेमोन से। भाई साहब इसके पास तीन तीन फॉर्म है, यानी कि अटैक फॉर्म है, डिफेंस फॉर्म है और स्पीड फॉर्म है, और सब में इसके पास डायमंड रहता है। तो हम कह सकते हैं कि डियोक्सी का डायमंड भी यार बिल्कुल एक अलग ही लेवल का है। और सारे जो पोकेमोन है, दस ही दस मैंने जो पोकेमोन बताए हैं ना, वो एक बिल्कुल अलग मिस्टीरियस पोकेमोन है। सबके पास अपना एक अलग रेड डायमंड है जो ये अलग अलग पावर लेवल को शो करता है। और अभी भी पोकेमोन कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत सारे ऐसे और पोकेमोन है जिनके पास डायमंड है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना दोस्तों, तभी मैं इसका अगला पार्ट बनाऊंगा, वरना मैं शायद ही इसका अगला पार्ट बनाऊंगा। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, लाइक हम रखते हैं पूरे 10K लाइक का, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पोकेमोन का सब दुख किए कौन सा पोकेमोन है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।